Assalamu alaikum. Hi guys, this is Amotun Kohinu Ratan Kofi. So thank you very much and welcome back again guys. So this is my review video. ये मेरा एक पहला वीडियो है चैनल पे जो एक परफ्यूम रिव्यू के ऊपर है एंड थैंक यू वेरी मच आई गेस एक सब्सक्राइबर थे हमारे एक व्यूअर है आई एम इंडियन करके उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज कुछ परफ्यूम के रिव्यूज करिए विद रीजनेबल रेट एंड क्वालिटी परफ्यूम तो आई गेस आई एम कमिंग विद द सेम सो प्लीज गाइस स्टे ट्यून विल स्टार्ट द सेम वेलकम बैक गाइस सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू सो ये जो है वो एक अनपेड और प्योर जेन्युइन रिव्यू है आई मीन सेलिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम लास्ट आई गेस अराउंड 7 to 8 इयर्स काफी 7 से 8 सालों से जो है वो मैंने यूज भी किया है इसको काफी लोगों को सेल भी किया है एंड मैं जो आपको परफ्यूम बता रहा हूँ आई गेस आज मैं आपको 5 परफ्यूम बताने वाला हूँ एंड फॉर्चुनेटली सारे के सारे जो है वो विद इन 500 रुपीज है एंड बिलीव मी जो भी परफ्यूम मैं आपको शो कर रहा हूँ हैज अमेजिंग डीएनए लाइक एंड फॉरेन के कोई ब्रांडेड परफ्यूम की तरह ही आपको जो स्मेल करेगा लिटरली अगर आपको मैं उसको सेग्रीगेट कर दूं चार परफ्यूम के साथ जिसमें दो ब्रांडेड हो और मतलब जैसे कोई फॉरेन यूएसए फ्रेंच परफ्यूम हो और जिसके साथ मैं दो अगर ऐड कर दूं तो आप लिटरली नॉर्मल कोई आदमी उसको वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा सेग्रीगेट नहीं कर पाएगा दिस आर सो अमेजिंग सो गाइस लेट्स स्टार्ट सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज कार्गो दिस इज अमेजिंग फ्रेग्रेंस आई गेस ये उन पर्टिकुलर लोगों को मैं प्रेफर करूंगा जो प्रेफर करते हैं लाइट फ्रेग्रेंस इनको इरिटेशन होता है थोड़े स्ट्रांग या जो ऊदी इंटेंस फ्रेग्रेंस होता है जिनको डिस्टर्बेंस होता है दिस इज अमेजिंग ये एक प्रॉपर आपको अगर मैं कहूँ तो एक प्रॉपर स्लाइट माइल्ड फ्लावरी और हल्का स्लाइट स्पाइसी और मिस्टी स्मेल है एकदम ठंडी स्मेल है अगर इसका फ्रेग्रेंस अगर आप चेक करो ना तो विच इज फ्रेश बिल्कुल फ्रेश फ्रेग्रेंस इसकी और ये एक फ्रेग्रेंस वो है जो आप डेली रूटीन में यूज कर सकते हो मतलब इट्स नॉट एन ओकेजनली वेयरिंग के लिए एक नॉर्मल रूटीन वेयर के लिए ऑफिस या घर के यहाँ जा रहे हो सो दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग फ्रेग्रेंस विच यू कैन यूज और बिलीव मी नॉट इट्स एन अमेजिंग फ्रेग्रेंस यू शुड गिव इट अ ट्राई एंड अगली चीज आ रही है मैनुअली अगर आप चाहते हो एक बॉसी मतलब एक होता है ना बॉसी टेक्सचर कि कहीं एंटर करो तो वाओ बोले कि भाई कौन आ जाए दिस इज दैट टूट बिलीव मी नॉट मैन ओनली एक एलिगेंट फ्रेग्रेंस आप अगर कहो अगर आप एक फॉर्मल अटायर वेयर करे हो एक कोट है ब्लेजर है टक्सीडो पहने हो दिस थिंग इज अमेजिंग बिलीव मी नॉट इसके जो फ्रेग्रेंस नोट है ना गाइस किलर है किलर मतलब ये एक तरीके से टर्न अराउंड पीपल विल जस्ट नारायण सिंह के कौन आया है कोई तो है भाई कोई ना कोई जो है वो एंटर किया है पार्टी में अमेजिंग दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस आई एवर सीन मतलब बिलीव मी नॉट गाइस मैं इसका आशिक हूँ मैन ओनली इज दी बेस्ट फ्रेग्रेंस अमॉन्ग नो डाउट है काफी बेहतर है लेकिन दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मैन ओनली और इसका जो नोट्स है ना आई मैंने आपको जो कार्गो बताया मैन ओनली का आप इसको सूंघोगे आपको अगर मैं कहूँ बिलीव मी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं आपने कोई एक इंडियन ब्रांड वेयर किया हुआ है दिस गाइज जैसा किंग परफ्यूम CFS दे आर इन टू एन अमेजिंग परफ्यूम मतलब जो कंपाउंडिंग बनाते हैं गाइज इट्स एन अमेजिंग वर्थ टू ट्राई लिटरली वर्थ टू ट्राई मतलब एक परफ्यूम जो आप अगर सोचोगे कि भाई मैं लू 5,000, 8,000, 10,000 ये आपको वो चीज विद इन 500 रुपीज के अंदर वो आपको वो लेवल एक्सपीरियंस देते विथ लास्टिंग परफ्यूम ऐसी बात नहीं कि सिर्फ फ्रेग्रेंस आया टॉप नोट आया उड़ गया आपको फिर बाद में डल परफ्यूम आपके बॉडी पे रहेगा नहीं ऐसा नहीं है इट स्टेज अ लॉन्ग अमेजिंग फ्रेग्रेंस ऑल सीजन और ये जो है वो ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है आपको जो बता रहा हूँ ओके स्टार्ट द बैड डेडी 21 मैन 21 मैन इज अ स्लाइटली डेंस और थोड़ा सी हल्का आप कह सकते हो वेटी वाली ऊदी टेक्सचर का थोड़ा डार्क फ्रेग्रेंस है एंड ये आपको मैं बताऊँ ये आप अगर इसको किस तरीके से इमेजिन करेंगे गाय वेयरिंग अ ब्लैक सूट और कंप्लीट ब्लैक अटायर फ्रॉम डाउन टू टॉप ब्लैक शूज ब्लैक बेल्ट कंप्लीट ब्लैक कलर्स के साथ एंड 21 ब्लैक मैन खत्म
गेम ओवर गाइस, दिस इज दैट डूड थिंग. मतलब ये अगर नो डाउट एवरी वन विन केवरेट, ये एक ओकेशनल वेयर आप कह सकते हो और पार्टी वेयर आप भी कह सकते हो उसको. दिस इज सो डैम गुड परफ्यूम. इसकी जो फ्रेगनेंस है, एक हल्की मिस्ट, आपको एकदम स्लाइट फ्लावर टच मिलेगा जो कि एक मतलब अननोटिसेबल है. जैसे यस वी आर हैविंग दैट ग्रेट नोज, वी कैन फ्रेंच रॉट, बट इसमें हल्का सी एक वेटिवर का फ्रेगनेंस आता है और वाओ दिस इज सो गुड. बिलीव मी, खाली वर्थ टू ट्राई, अमेजिंग. मतलब कैसा है कि आप मूव ऑन में गाय बुलेट पे बैठा, ब्लैक कलर की बुलेट विद अ ब्लैक अटायर, और ये कंप्लीट दिस गाय विद दिस थिंग, किलर किलर चीज, वर्थ टू ट्राई. This is her highness. This is for ladies, but no men's also use this. ऐसा नहीं कि हर हाइनेस तो सिर्फ डिपेंडेंट. जो मैंने आपको स्टार्टिंग के दो तीन परफ्यूम बताया था, 21 CFS and men only. This are for men fragrance. और this is her highness. This is mainly for female. But yes, इतना इसका fragrance attractive है कि no doubt कहीं male भी मुझे purchase करने जाते हैं. And believe me, ऐसा कुछ नहीं है. I like to convey one thing clearly. ऐसा कुछ नहीं है कि मेल फ्रेगनेंस होते फीमेल. कई बार मैं लिटरली खुद बताऊं, अगर आप गूगल पे जाकर के सर्च करोगे नार्सिस को पिंक, बहुत ही अमेजिंग लेडी फ्रेगनेंस है, विच इज मतलब लिटरली क्या बताऊं, आई कांट फ्रेम इट इन वर्ड्स. सो क्यूट एंड सो प्यारा फ्रेगनेंस है वो फ्लावरी वाला. मैं लिटरली कई बार मैंने खुद वेयर किया है, आई लिटरली गेट कॉम्प्लीमेंट्स, विच इज एन प्रॉपर प्योर फीमेल फ्रेगनेंस. बट येस इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वे यू वेयर. कैसा होता है फ्रेगनेंस की चीज आपको बता दूं, इन शॉर्ट फ्रेगनेंस किस तरीके से होता है. द वे यू अटायर, जिस तरीके के माहौल में आप एंटर कर रहे हो, जिस पार्टी में, ऑफिस में, किसी की शादी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, कहीं पब जा रहे हो, वेयरएवर इट इज, कहीं जा रहे हो आप, तो ये जो फ्रेगनेंस है इट्स लाइक एन बैकग्राउंड साउंड. जैसे मूवी देखोगे आपने, मूवी में लव सीन्स में अगर आपको कोई एक्शन साउंड डाल देगा तो कैसा लगेगा, टैक 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 टैक, लव सीन है भाई, प्यारा साउंड चाहिए. वैसे ही आप अगर एक्शन साउंड के अंदर अगर कोई लव सीन प्यारा सी टीम वायलेंट बजा रहा है वो, दैट डजंट मेक एनी सेंस. उसी तरीके से परफ्यूम मैटर करता है, आप कौन सा परफ्यूम कहाँ वेयर कर रहे हो, दैट मेक अ ग्रेट डिफरेंस. आप अटायर के साथ परफ्यूम को सूट करिए, उसको आप उसको अंडरस्टैंड करिए कि मैं क्या लगा रहा हूँ. एक जैसे एक मैन ओनली एक फ्रेगनेंस है, आप उसको पार्टी में लगा के, डिस्को में लगा के जा रहे हो, दैट डजंट मेक, मतलब एक आउट हो जाएगा. और उसी जगह पर अगर आप कोई जैसे ये चीज है, इसको आप लगा करके ऑफिस में कहीं लोग जैसे एंटर कर रहे हैं या तो कोई ऐसी जगह एंटर कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा शांति वाला माहौल, बोलो क्या हो गया भाई, डिस्को में आया हुआ है, तो दैट इज द थिंग. एंड दिस इज अ वाव लाउड फ्रेगनेंस विथ मच मोर स्पाइस. स्पाइसी फ्रेगनेंस है, काफी स्पाइसी शार्प फ्रेगनेंस है. मतलब इट कैन पियर्स योर नोज, बिलीव योर नॉट. एंड इसके जो नोट्स और जो इसका लास्टिंग है, बैड, लिटरली बैड. ये ऐसी चीज है ना जो आदमी को, मतलब ये पूछेंगे लोग क्या लगाए हो भाई, व्हाट आर यू वेयरिंग, दिस थिंग इज दैट. अगेन आई एम सेइंग इट, इसमें लिखा है हर हाइनेस, बट ऐसा नहीं है, दिस इज ओनली फॉर फीमेल. इवन मेरे काफी मेल कस्टमर है और काफी मैं भी, ऐसी बात नहीं, दिस आई बीन यूज इट, दिस इज अमेजिंग थिंग, दिस इज वेरी गुड टू वेयर, अमेजिंग फ्रेगनेंस और वेरी गुड टू गिफ्ट एज वेल. पूरी क्लासी बॉटल यू कैन से, दिस इज कम्प्लीट, ये आई गेस थोड़ा फाइबर, लेकिन दैट डजंट मेक सेंस, इट्स गुड बिकॉज ये वेरी गुड टू गिफ्ट. मतलब किसी को गिफ्ट करोगे तो पीपल विल ग्लैड टू सी. थोड़ी हैवी है बट यस अमेजिंग थिंग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाम ही काफी है भाई, नाम ही काफी है. बिलीव मी नॉट, ये एक ऐसी चीज है जो आई गेस एट ए टाइम पे मेरे से कस्टमर एक साथ तीन, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में कि भाई कोई ऐसी चीज बताओ कि जो लगे अच्छी है, या जो है मेरे फादर भी काफी, आप दुकान में अगर आओगे तो मैक्सिमम टाइम आप मेरे फादर को एनकाउंटर करोगे, तो वही क्योंकि शॉप में अवेलेबल रहते हैं. तो भाई एक ऐसी परफ्यूम बताओ जो आपको अच्छी या ऐसी लगे, जो लोग पूछे, कॉम्प्लीमेंट दे, शादी में जाना है, गाँव जाना है, लोग बोलना चाहिए कुछ लगा क्या है. ये चीज मेरे डैडी बोलते हैं, ले भाई ले जा, नहीं आया तो मेरे को आकर के बोलना, मैं जो बोला हार जाऊं. एंड दिस इज दैट थिंग. आई गेस लोग एक बॉटल लेकर के जाते हैं, नगीन दे कम बैक एंड बाय टू थ्री, भाई जितना स्टॉक में, तीन चार छह बॉटल दो मेरे को. दिस इज दैट कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर. बस कांट से एनीथिंग, दिस इज सो अमेजिंग. इसके अंदर एक हल्का सी माइट यू कुड से एक स्लाइट स्ट्रॉबेरी का नोट्स इन्होंने ऐड किया हुआ है.
स्लाइट स्ट्रॉबेरी और एक वेनिला का एक स्लाइट नोट्स है, विच एक्चुअली मतलब एक बोलते ना एक मदहोश करने वाले कुछ वो. दिस इज द थिंग गाइस, आई लव दिस परफ्यूम. काफी जगह इसको बोला जाता है दिस इज अ फीमेल, काफी मेल बोल करके बोलते दिस इज यूनिसेक्स. और ये अगर मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, सॉरी आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ रिव्यूअर के भाई आपको मैं एक पर्टिकुलर, विच इज एन इंसल्ट फॉर अ ब्रांड के भाई आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का क्लोन बना करके बेच रहे हो, आई नेवर डू दैट. बट यस, ये ऐसी चीज है कि कुछ पर्टिकुलर हाई एंड परफ्यूम आते हैं, एक नहीं काफी लोगों के पास वो नोट्स है, क्योंकि एक परफ्यूम की अलग अलग नोटिंग हर जगह होती है. मोरल जब कोई परफ्यूम आता है तो एक परफ्यूम जब वो मार्केट में पॉपुलर हो जाता है तो बात के जो काफी ब्रांड्स होते हैं सिमिलर नोट में हल्का फुल्का हेयर फेयर करके, मतलब हल्का फुल्का थोड़ा सी कोई इसको डेंस कर दिए, किसी के अंदर ऊद का टेक्सचर थोड़ा ज्यादा कर दिए, किसी में वेटीवर लेवल थोड़ा बढ़ा दिए कम कर दिए, किसी को फ्लावरी नोट दे दी, किसी में सिट्रस नोट ऐड कर दिए, बैगामॉट, ये सारी चीजें जो है वो ये सारे फ्रेगनेंस नोट्स होते हैं. आई गेस मैंने, मेरे ध्यान में है, आई गॉन्ट मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन दिस, मेरे बिल्कुल ध्यान में, मैं कोई चीज भूला नहीं गाइस. एंड अगेन आई थिंक दिस वीडियो इज ऑन अ व्यूअर नेम एस आई एम इंडियन, आई रियली अप्रिशिएट दैट गाय जिन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट किया था कि भाई एक वीडियो बनाओ विद दी डिटेलिंग एंड परफ्यूम के बारे में रिव्यू. सो दैट इज कि ये मेरा पहला रिव्यू वीडियो गाइस, होप यू लाइक दिस. और ये सारी परफ्यूम जो मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज अवेलेबल ऑन माय शॉप्स, मैं आई गेस ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. एंड गाइस बिलीव मी आर नॉट, ये वो परफ्यूम्स है जो कि टेस्टेड एंड प्रूव्ड है. ये ऐसी चीज है जो कि आई गेस आई पर्सनली नो दी कंपनी गाय एंड ऑल, मैं इनसे काफी साल से डील कर रहा हूँ, टेकिंग दिस परफ्यूम फ्रॉम लॉन्ग बैक, एंड दिस आर सच एन अमेजिंग परफ्यूम, एंड दिस पीपल आर सो डायनामिक इन दियर परफ्यूम रेंज. मतलब इस तरीके से परफ्यूम को चेंज करते हैं उसकी, और कैसा है ना एक खासियत होती है जब आप कोई पर्टिकुलर टेस्ट अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको हमेशा वो कंसिस्टेंसी चाहिए रहती है कि भाई कभी ये थोड़ा जैसे कुछ आप कहीं चाय पीते हो तो आपको हमेशा चाय एक ही फ्रेम एक ही टेक्सचर की चाहिए. ये कैसा है, ये दिस गाइस द सेम, दिस पीपल आर कंसिस्टेंटली, जो आई गेस में 2012 या 2013 में इनसे परफ्यूम की जो क्वालिटी या जो फ्रेगनेंस रहती थी 2020 में भी सेम है. मतलब दे विल इम्प्रूव दी क्वालिटी ऑफ बॉक्सिंग पैकेजिंग और एनहांस करेंगे और उसको ग्लॉसी बनाएंगे या और डिसेंट या तो एक इंटरनेशनल लेवल का लुक देंगे. बट दे दिस पीपल आर नेवर एवर कॉम्प्रोमाइजिंग देयर क्वालिटी, अमेजिंग फ्रेगनेंस, किंग परफ्यूम. सल्यूट यू गाइस, यू पीपल आर, आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि बींग एन परफ्यूम इंडस्ट्री मुझे पता है कि टू मेंटेन दी प्राइस एंड उस हिसाब से आप एक लोगों को उतना बेटर क्वालिटी परफ्यूम दे रहे, विच इज एन अमेजिंग थिंग. आई रियली अप्रिशिएट वर्क, और होना भी चाहिए गाइस, वी शुड रिस्पेक्ट वन जो आपको एक बेहतर क्वालिटी की चीज, और एक जो मतलब एक ड्रीम होती है किसी की, भाई मुझे वो पर्टिकुलर परफ्यूम यूज करना है या मुझे वो इंटरनेशनल ब्रांड को टेस्ट करना है. दिस पीपल आर गिविंग इट यू ऑन अ वेरी रीजनेबल रेट, बिलीव मी नॉट, इट्स एन अमेजिंग थिंग. और आई गेस होप यू पीपल लाइक दिस वीडियो, एंड आई गॉन्ट ऐड दिस डिस्क्रिप्शन ऑन मेरे शॉप पे भी अवेलेबल है. मैं शॉप का जो है लिंक एड्रेस का मैं अपने जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. साथ साथ गाइस आई एम एडिंग माई गूगल फॉर्म जो है आपके रिव्यू का और आपके सजेशन का फॉर्म, मैं गूगल फॉर्म ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. प्लीज गो थ्रू इट एंड प्लीज शेयर अ सजेशन. होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू सून, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, टेक केयर, बाय बाय गाइस.